भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने व्यापम किया आयोजित सहायक शिक्षक की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने व्यापम सलाहकार अधिकारी का पुतला दहन किया और भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की। परिषद के सदस्यों का कहना है कि 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें मॉडल आंसर के सी सेट को परीक्षा में 22 दिन पहले ही जारी करना और गड़बड़ी की आशंका की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल विद्यार्थियों के साथ मनमानी तरीके से किया गया है एग्जाम। दूसरी बार मॉडल आंसर जारी किया गया है वो भी 22 दिन पहले। ये कहाँ की रीत है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो अपन विद्यार्थी परिषद पूरे भारत भर में, पूरे छत्तीसगढ़ में अपन यह आह्वान करती है कि जो व्यापम के अध्यक्ष हैं उसको त्वरित इस्तीफा दिया जाए, वो ऐसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग कर रही है। मॉडल पेपर तक गड़बड़ी देखी गई है या छात्रों के लिए उपहास है, उनके द्वारा ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको बोनस अंक दिया जाए या तो उनको फिर से परीक्षा पेपर लिया जाए जिससे उनके भविष्य में सुधार हो सके, ऐसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनसे मांग करती है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो प्रदेश के नेतृत्व में फिर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी जाएगी। वही मल्हारगढ़ में